खेल इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा होता है। आज पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। इस बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जोरों शोरों से खेलों को बढ़ावा देते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल विभाग एवं उत्तराखंड एथलेटिक संघ द्वारा आयोजित नीरज चोपड़ा ग्लोरी क्रॉस कंट्री रन में भाग लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने समारोह में उपस्थित सभी लोगों को एकत्र कर उन्हें खेल के प्रति जागरूक किया। भारत में खेल जगत से ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अपने शानदार प्रदर्शन के कारण हम सभी के दिल में हमेशा के लिए बस गए हैं। इसमें पूर्व हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद, पूर्व दिग्गज धावक मिल्खा सिंह और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। आज यानी रविवार 29 अगस्त को देश में खेल दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हर साल 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं पता तो वीडियो के अंत तक देखिए, आपको सब पता लग जाएगा। दरअसल मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। उनका शुमार दुनिया में हॉकी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है। ध्यानचंद के गोल करने की काबिलियत जबरदस्त थी। उनकी टीम में रहते भारत ने हॉकी में 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल 1928, 1932 और 1936 में अपने नाम किए थे। उनका जादू दशकों बाद भी बरकरार है और वो आज भी भारत के सबसे बड़े खेल आइकन में से एक है। महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हुआ था। उन्होंने 16 साल की उम्र में भारतीय आर्मी ज्वाइन की। ध्यानचंद 1922 में एक सैनिक के रूप में भारतीय सेना में शामिल हुए। वो शुरुआत से एक खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी खेलने के लिए सूबेदार मेजर तिवारी से प्रेरणा मिली, जो खुद एक खेल प्रेमी थे। ध्यानचंद ने उन्हीं की देखरेख में हॉकी खेलना शुरू किया। मेजर ध्यानचंद को भारत में हॉकी का जादूगर कहा जाता है। विदेशी भी समझते थे कि उनकी हॉकी स्टिक से बॉल चिपक जाती थी। जब वो बॉल लेकर आगे निकलते तो हॉकी में बॉल ऐसे चलती जैसे चिपक गई हो, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। एक टूर्नामेंट के दौरान मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तोड़कर भी देखा गया था। मैच के बाद मेजर ध्यानचंद की 3 हॉकी स्टिक को तोड़कर उसकी जाँच की गई थी। हॉकी में शानदार प्रदर्शन के कारण ध्यानचंद को 1927 में लांस नायक के रूप में नियुक्त किया गया और 1932 में नायक और 1936 में सूबेदार के रूप में पदोन्नत किया गया। मेजर ध्यानचंद 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान बने थे। भारत ने यहां पर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया था। मेजर ध्यानचंद ने 1926 से 1948 तक के अपने करियर में 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए। वहीं उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 1000 गोल दागे। ध्यानचंद को सम्मान देने के लिए भारतीय सरकार ने 2012 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। सरकार ने ध्यानचंद को 1956 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। हाल ही में सरकार ने खेलों के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया। भारत अब खेल में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस साल ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक, मीराबाई चानू, रवि दहिया सिल्वर पदक, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पूनिया एवं भारतीय पुरुष हॉकी टीम देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत कर लाए। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मेरे दिल के बड़े करीब हैं जो ये चैनल चलाते हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।